हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन फ्रॉम क्लास 7 सब्जेक्ट में। रेशियो दैट मीन अनुपात, प्रोपोर्शन इसकी हिंदी होती है समानुपात। रेशियो हमेशा ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है, ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है और इसको हम ए रेशियो बी से डिनोट करते हैं। इसके कुछ जो क्वेश्चन हमारे सॉल्व करने को आते हैं वो जैसे कि फाइंड द रेशियो बिटवीन 7 रुपीज एंड 70 पैसे। हम डायरेक्ट 7 रुपीज और 70 पैसे को रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, ये जो वैल्यू होती है ये टर्म्स हमारे सेम होने चाहिए। अगर ये रुपीज में है तो ये वैल्यू भी रुपीज में होनी चाहिए, अदरवाइज ये पैसे हैं तो हमें इसको पैसे में कन्वर्ट करना होगा। 1 रुपीज इसको हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, 7 रुपीज टू 70 पैसे। 7 रुपीज रेशियो 70 पैसे डिफाइन करना है हमें। 7 रुपीज अपॉन 70 पैसे, 1 रुपीज में हमें मालूम है 100 पैसे होते हैं, तो 7 रुपीज में हमारे पास 700 पैसे हो गए अपॉन 70 पैसे। 0 से 0 7 बन जाए 7, तो इसका जो रेशियो निकल कर आया वो हमारा 10:1। नेक्स्ट है हमारा एक एग्जांपल मंथ और ईयर में, जैसे कि 3 मंथ टू ए ईयर, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। रेशियो में निकालने को दिया गया है 3 मंथ टू ए ईयर। रेशियो निकालते हैं हम 3 मंथ/1 ईयर। एक ईयर 1 ईयर में हमें मालूम है 12 मंथ होते हैं, तो 3 मंथ/12। रेशियो तभी फाइंड कर पाते हैं हमारे पास जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है वो समान हो, मंथ टू मंथ, पैसे टू पैसे, ग्राम टू ग्राम। 3 × 3 = 3, 4 = 12। इसका रेशियो हमें प्राप्त हुआ 1:4। इसी तरीके से अगर 500 ग्राम और 1 kg का रेशियो निकाला जाए तो 1 किलोग्राम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 ग्राम। 500/1000 डिवीजन लेंगे, रेशियो आ जाएगा 1:2। रेशियो में ये क्वेश्चन हमारे इस तरीके के भी होते हैं कि फाइंड द टू नंबर्स, दो नंबर फाइंड करने हमें जिनका रेशियो है 4:5, समय 1:35। इसमें हम लेट मान के करते हैं, लेट नंबर विल बी रेशियो 4:5, कॉन्स्टेंट वैल्यू समान होती है, मैंने आपको बोला मंथ टू मंथ, पैसे टू पैसे, तो हम यहाँ कॉन्स्टेंट वैल्यू x मान लेते हैं, तो नंबर हमारे हो जाते हैं 4x and 5x। x हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, उनके बीच का सम दे रहा है 1:35, तो हम लिखेंगे 4x + 5x = 1:35। 9x = 1:35 डिविजिबल बाई 9 = 9×9 = 45। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। नंबर हमने माने थे 4x, दैट मीन 4×15 = 60। पहला नंबर हमारा हो गया 60, दूसरा है हमारा 5x = 5×15, 15×5=70। दूसरा नंबर हमारा हो गया 70। यहाँ पर हमारा रेशियो के बाद ये क्वेश्चन आता है प्रोपोर्शन का, यानी कि समानुपात। इसमें हमें 2 अनुपात दिए जाते हैं, 2 रेशियो दिए जाते हैं, लेकिन जिनके बीच में रेशियो समान होता है, दैट मीन a/b = c/d। यहाँ a, b, c और d 4 वैल्यूज हैं, लेकिन उनके बीच में रेशियो समान होता है। एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझेंगे। 2:9 प्रोपोर्शन टू x = 26। यहाँ अगर हम क्रॉस मल्टीपल करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट टू मल्टीप्लाई 4 एंड सेकंड टू मल्टीप्लाई 3rd। तो इसमें मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 27 है और 9 का मल्टीप्लाई x इक्वल टू है 9, दैट मीन 9 × x = 2×27। x की वैल्यू फाइंड करनी है, आंसर इज 9x = 2×27।
x equal to 2 into 27 upon 9, 27 divided by 9, 3, 3 to the 6. तो x की वैल्यू हमारी आ गई 6. इसका सॉल्व आंसर जो प्रोपोर्शनल में आएगा 2:9 प्रोपोर्शनल टू 6:27. अगर हम इस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो 2 अपॉन 9 इक्वल टू 6 अपॉन 27 होना चाहिए. 3 से डिवाइड देंगे, 3 टू या 6, 3 9 है 27. 2 अपॉन 9 इक्वल टू 2 अपॉन 9. एक दूसरा एग्जांपल है जिसमें कई टर्म्स आ जाते हैं हमारे पास, जैसे कि 2x:16 प्रोपोर्शनल टू 45:36x. इसमें भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार टर्म्स होते हैं हमारे पास. फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ में, तो 2x:36 = 16:45. 2x:16 प्रोपोर्शनल टू 45:36x. मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म्स इनटू फोर, सेकंड इनटू थर्ड. 2x:36 = 16:45. x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें. 36 to the 72, x = 16 × 45. x = 16 × 45 upon 72. If we know that 16 divisible by 8, 72 divisible by 8. 8 to the 16, 8 9 the 72. 45 divisible by 9, 9 5 are 45. Answer is 2 5 are 10. अगर ये हमारा आंसर सही है तो इनके बीच में जो रेशियो आया है वो सही होता है. जैसे कि x की वैल्यू है 10, 2 10 are 20 upon 16 = 45 upon 36 होना चाहिए. डिवाइड किया हमने 4 का, 4 5 are 20, 4 4 are 16. यहाँ पर डिवाइड देंगे हम 9 का, 9 5 are 45, 9 4 are 36. 5 upon 4 = 5 upon 36.